और यहाँ सब संसार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी रामेहर संदीप और हरीश और ओमवीर जी इनसा मेरे भजन बोल रहे हैं जी। जो खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या, तेरी नजर खुदा की नजर गरीब नवाज, तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज। और हमारे वास्ते ये तही तो मदीना है, यहाँ जाए तो जाए कहाँ गरीब नवा, यहाँ जाए तो जाए कहाँ गरीब नवा। तो है रहमते तमाम, है रहमते तमाम मेरे सतीपुर के हाथ में, 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 है रहमते तमाम सतगुर के हाथ में, ओ है रहमते तमाम सतगुर के हाथ में, है रहमते तमाम मेरे सतगुर के हाथ में, और दोनों जहां का काम, दोनों जहां का काम मेरे सतगुर के हाथ में, दोनों जहां का काम मेरे सत हाथ में। मैं अदल से बंदा इश्क हूँ और मुझे जो दो कुफुर का दम नहीं, मेरे सर को दर तेरा मिल गया, अब मुझे दलाते हरम नहीं, और वो जिंदगी है वो बंदगी जो बकैद है रो हरम नहीं, मेरा एक नजर तुम्हें देखना मेरे खुदा नवाज से कम नहीं, मेरे सतगुर के हाथ में।
उसे आसरा मिले भरम मेरा बनाए रखना और मुझ गुनाहगार के ऐबों को छुपाए रखना और मुझको तो आता पे गुलामी भी नहीं आती है मैं बुरा हूँ तो बुरे को भी निभाए रखना और हाथ में हाथ लिया है भरम है तेरा दोनों आलम में मेरी बात बनाए रखा और हश्र के रोज न हो जाऊं कहीं मैं सुवा अपने दामन में मेरे ऐब छुपाए रख आए जो दर पे आपके उसे आसरा मिले इस दर से भिखारी कोई टाला नहीं जाता इसे भिखारी कोई टाला नहीं जाता इस दर से भिखारी कोई माँ नहीं जाता इस दर से भिखारी कोई टाला नहीं जाता और धर्म कोई मांगने वाला नहीं जाता के आए तो दर पे आपके उसे आसरा मिले आए तो दर पे आपके उसे आसरा मिले और गिरते को तेरे सतगुर अरमान तेरे कूचे में मेरे दिल के भी अरमान तेरे कूचे में सुन के आया हूँ ये दरकार तेरे कूचे में सुन के आया हूँ ये दरकार तेरे कूचे में पक्ष जब है गुनागार तेरे कूच में बेहद गुनाहगारों को पक्ष देता है तू बेहद गुनाहगारों को आज पक्ष देता है तू क्योंकि पक्ष देता का सारा आप सतगुर के हाथ में पक्ष का सारा आप मेरे सतगुर के हाथ में पक्ष का सारा आप मेरे सतगुर के हाथ में और जाएंगे छोड़ कर का कर आपका जू गुजारा नहीं है जमने में कोई हमारा ही है और किसी को भी मैंने आज पुकारा नहीं है क्या जो नहीं कहा कर आपका हुजूर हो जाएंगे छोड़ कर कहा कर आपका हुजूर चरणों में मका चरणों में है मका मेरे सतगुर के हाथ में चरणों में है मका मेरे सतगुर के हाथ में चरणों में है मका मेरे सतगुर के हाथ में और दोनों जहां का काम मेरे सतगुर के हाथ में और सेवादारों सब ठीक ठाक हो सारी सेवादार जी बहुत सेवा की बेटा आपने तो मालिक सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के बख्शे और जब आप घर नहीं पहुंचते मालिक दिया मेहमत से माला माल करे
कि जितना टाइम आप सेवा में आने और जाने का लगाते हैं वो भी सत्संग सेवा सिमरन का फल मां जरूर बख्शेगा। सो जितनी भी कोई दूर आगे सेवा करता है उतनी ही ज्यादा जितने कदम संग में चल के आते हैं हर कदम की खुशियां मिलती हैं। सो जितनी दूर आप चल के आते हैं आने जाने की खुशियां वो भी सत्संग की तरह, यहां सेवा की वो भी सत्संग से बढ़ के, तो मां बेहद खुशियां बख्शे, सेवा से मन लगे। बाकी आप कोई बात करना चाहते हैं तो माइक वाले चले जाएं। भाई बता रहे हैं आपको मालूम है बीमारी का तो प्रसाद दिया जाएगा, बचनों में गलती है शाम को बता देंगे, और अच्छे नए कामों के लिए सबको आशीर्वाद। घर में कोई परेशानी सुबह से रात तक घर में खाना नाम भी बनाओ तो उससे वो परेशानियां दूर हो जाती हैं, और मेहनत करो तो मालिक जरूर दूर करेंगे। जब लाखों की परेशानियां दूर हुई आपकी क्यों नहीं होगी, तो थोड़े शब्दों में लंबी चौड़ी बात नहीं करनी कोई भी, और जो आप चार बातें बोली इनमें से किसी ने खड़े नहीं होना। बाकी आप बात कर सकते हैं सेवादार भाई, कोई बात करना चाहते हैं बोले भाई, और कुछ जाने वाले हैं सेवादार। पच्ची मेंबर हाथ खड़ा कर लें, बैठे हैं तो कहा या खड़े हो जाएं, बाकी बैठ जाएं एक बार, बात वाले एक बार बैठ जाएं। पच्ची मेंबर यूथ फेडरेशन डॉक्टर आदित्य जी, ये घर जाने वाले सेवादार हैं, और नाम चर्चा वाली टीम डॉक्टर सुधीर कलावत बुसे डॉक्टर साहब हैं, हाथ खड़ा करें डॉक्टर जी। जी डॉक्टर राजेंद्र सिंह इंसान होशंगाबाद से जी, और जस्सी बुदनी से जी। तो बेटा जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, और मालिक और खुशियां दे और सेवा आप करें, तो बाद में प्रसाद ले जाना खाने के लिए भी ले लेना। आशीर्वाद, बैठ जाएं बेटा, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। तो अब बात करवाएं जो बात करने वाले। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हरदीप सिंह पंगीदास साधक से डिस्ट्रिक्ट रीतकोट पंजाब से जी बेटा। पिताजी 28/11 को फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, जिनकी बॉडी डेड की गई फरीदकोट गोविंद सिंह मेडिकल हॉस्पिटल में जी, और आंखें दान की गई, आंखें द्वार भेज दी गई। तो पिताजी बच्चे कभी सेवा पे आ जाते, कभी मैडम सेवा पे आ जाती थी, तो पिताजी आया नहीं गया दरबार, तो हाजिरी मंजूर करे पिताजी जी। बेटा आगे से जरूर ख्याल रखना बेटा, कोई बात नहीं, मालिक खुशी बख्शे, सेवा से मन लग गया बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं सुभाष बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। हाँ सुभाष जी, 2 साल से ऊपर हो गए आपको आए पिताजी, जल्दी आइए बेटा। जरूर 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 आएंगे मालिक ने चाहा जरूर। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं राधेश्याम आजमगढ़ यूपी से बोल रहे हैं पिताजी। मैं आप जी का सिमरन करता रहा, बहुत दिन हो गया, मैं क्या रहा दर्शन करूंगा, सवेरे के पिताजी 2 बजे तक सिमरन किया रात में पिताजी। मैं 2 वाटियां दर्शन किया और ऐसा लगा पिताजी 3-4 महीने में गए पिताजी अपने साथ रखे हो, अब चमत्कार तो बहुत पिताजी जी। बेटा करना बचनों पे रहना बेटा, वाकई मालिक कर दिखाते रहते हैं बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही असर। पिताजी एक चमत्कार है, एक बात करनी है पिताजी। एक तो हम काफले भी से आ रहे, हम एक मेमना मर गया था, माफी चाहते हैं, नारा लगाते हैं बेटा। धन सतगुरु तेरे ही सर। एक चमत्कार पिताजी, हम मैंने मकान शुरू किया था, मेरे पास 75,000 रुपया था। मैंने काम करते करते जब पर्ची सारी घरे आई गई, 75,000 से भी 10,000 बच गया। बाद में डिटेल निकाली सारे पैसों की, तो उसमें 3.25 लाख खर्चा आ गया, लेकिन पता नहीं पिताजी आपने कहाँ से दिया है मेरे को जी। मालिक की रहमत बेटा, मालिक की रहमत, सेवारों को मालिक ऐसे मेवा देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी आप जी का प्यारा बेटा सतीश इंसा मेरठ उत्तर प्रदेश से। पिताजी आप जी करिश्मे तो बहुत हैं, श्वास श्वास भी गाय पा नहीं सकते पिताजी, लेकिन छोटा सा करिश्मा है जो बिल्कुल अभी करंट में ही हुआ था पिताजी, वो आप जी के सामने सभी संगत के सामने रखना चाहता हूँ पिताजी। मैं अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी पे घर पे गया था, तो वहां से जैसे आ रहा था दोनों कंधों पे बैग टंगे हुए थे, तो रास्ते में जो पौधों के चारों तरफ जाली लगाए थे वो उसके बीचों बीच पड़ी हुई थी। मैंने सोचा इसको साइड में हटा देता हूँ और ताकि किसी कोई दुर्घटना ना घट जाए, तो जैसे उसको पकड़ के साइड में पीछे हटाने लगा तो पीछे बैक साइड में गटर का गड्ढा आ गया और मेरा एक पैर उस गटर के गड्ढे में गया और गड्ढा चारों तरफ ईंटें रखी हुई थी। मेरी ये डिस्क की जो डिस्क होती है वहां पर जोर से लगा, बस ये लगा कि शायद अब खाट से उठा नहीं जाएगा पिताजी। बिल्कुल आप जी की रहमत से चोट लगी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तो
बहुत मुश्किल से कटी, लेकिन दिल में यह था कि सुबह सेवा पे जाना है, तो आप जी का याद किया, स्मरण किया और सुबह सुबह चला गया पिताजी। और पिताजी 28 की सत्संग में आप जी ने फरमाया कि बेटा मालिक छोटी छोटी चोट लगा देता से छोटों में आप भयानक मोजे से क्रम काट देता है, पता नहीं जिंदगी भर खाटे पड़ा रहना था। तो पिताजी आप जी की अर्ज है कि अपने उनसे कभी दूर ना करना पिताजी, अब ऐसी पूरे परिवार पे संगत पे बरसात होना पिताजी। जी बेटा, मुझे रहमत करते हैं बेटा, बाकी मौत सा कर्म कट जाता है सेवादारों का, सो मां की रहमत करते हैं बेटा। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरा बेटा गुरप्रीत इंसा सही जी बड़ा हनुमान पिताजी। पिताजी आप जी ने सरसा ऐसी 2 फरवरी पिताजी सत ब्रह्मचारी बनने की अर्ज की थी, तो पिताजी आप जी ने कहा था कि जब स्टडी पूरी हो जाए तो बताना बेटा, तो पिताजी स्टडी भी हो गया, मैं सत ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। आपने क्या कर लिया बेटा? पिताजी पॉलिटेक कर रखी है मैकेनिकल में। जी बेटा, आप ये जिम्मेवार यहाँ खंड को मिलना बेटा, आके भी है तो आप बात कर लेना बेटा आके। धन धन सतगुरु तेरी आसरा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं आमदा ग्राम से श्याम मांडेकर बोल रहा हूँ सर जी, आपके चरणों में प्रणाम। मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ कि मुझे आपके चरण सेवा में लगाए रखना जी। जी बेटा, सुमरण करना बेटा, भगवान है जो भयानक बीमारियां काटते हैं, हम तो आशीर्वादार हैं बेटा, सब उसके हाथ में है, जो कोई सच्चे दिल से उसे करता है तो वाकई वो पहाड़ शंकर बना देते हैं। पिताजी मैं भिंदरप्रीत मोगा तो पिंड मैना जी। पिताजी असि ग्रीनस की वर्दी लेना चाहते हैं, पिता जी देखते ही सारी टीम बन जाए नाम दवाने वास्ते समाज वाले तो। पिता थोड़ा शब्द सुनाना जी। हाँ दो लाइन सुना दे बेटा। सोने सोने मुख वाले आड़ी जिंद तेरे उत्ते है फिदा, अस तकते नहीं सी शहनशाह, साड़ी जित्ती है तू कीमत बता, अस तकते नहीं सी शहनशाह, साड़ी जित्ती है तू कीमत बता। जी बेटा आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, आप जिम्मेवार इनको लेना भाई, और जैसे टीम चाहते हैं बात कर लेना। धन धन सतगुरु तेरा श्रद्धा जी। मेरा नाम हरभगवान सिंह जी, घग्गा ब्लाक तो पूरा कमाइना लेके आना पे जी। पिछली बार भी 20 बाई सत्संग ही लिया, नवे नाम दवाया जी, उन्होंने बाद केयर करने वाला नहीं है पिता जी, और नाम कोई भुल जाता है, कोई शराब पीने लग जाता जी। इस बार भी 40-42 नाम दवा के लिया जी, प्रेमी ने बस भर लेके आया जी। हाँ बेटा, तुम इतने लिखाओ कि जगह तो लेके आये हो, तो बाकी इतनी जिम्मेवार भी अज बनाने से कोई केयर ही नहीं करता, कोई जवाब साढ़े को पहुंचा नहीं, कल खा देती। उदू बाद इन्होंने कल सत्संग च भी बोले, किसी ने जाना सी कि भाई कल को जिम्मेवार बताएंगे, और इन्होंने कल शाम को पूछा ना, आज बा कोई स्लिप भेजी है कि भाई उन लोगों के नाम चुने जाएं, तो करा क्या जाए, एक से सोचते हैं इसको लगाएं या अच्छा चले, पर मालिक मत करेगा तो चलेगा जी। तो अब करते हैं कोई जिम्मेवार बातें हैं, कल नाम भी आए होंगे यहाँ, नाम नहीं आए थे कल स्टेज पे, किस पास है वो नाम? जी तो बात वहीं की वहीं है, वो आपको एक बात से बात सुनाते हैं, बात क्या लगी इन जुम्मेवारों की। तो एक बादशाह था, और उसने एक वजीर रख लिया, रानी को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसका भाई वजीर में वाला था, तो उसको गुस्सा आया, कहने लगी भाई मेरे भाई को वजीर नहीं बनाया, आपने कोई बाहर से वजीर क्यों रखा? तो बादशाह कहता इतनी सी बात पे रुक गए थे, हाँ अभी कहता अभी करता हूं बात। तो उसने रानी के भाई को बुलाया, कहता जा भाई अपनी घोड़ी ब्याई है देख क्या कितने बच्चे हैं। वो गया कुतिया ब्याई है देख कितने बच्चे हैं। तो ये देख के आया, कहता 4 हैं। राजा कहता कितने कुत्ते और कितनी कुत्ता है? कहने लगा अभी गया, दोबारा गया, कहता जी 2 कुत्ते हैं 2 कुतिया हैं। कहता दोनों का रंग क्या है, कुतिया का क्या रंग है और कुत्ते का क्या रंग? कहता अभी गया, फिर गया, फिर देख के आया जी जो कुत्ते हैं वो हमें धब्बे हैं व्हाइट ब्लैक हैं, कुतिया सीधे व्हाइट हैं। कहने लगा क्या उनको दाना नहीं है, वो सही दे दिया उनका जो होना चाहिए? कहता जी अभी गया, वो दोबारा देख के आया, कहता जी दाना पानी दे दिया है सब कुछ। कहता क्या वहां संभाल के लिए आदमी रुके हुए हैं या नहीं है, उनके भावा होगा कोई सही लग रही है? कहता जी अभी गया। तो उसने कितने चक्कर ला दिए,
फिर उसने मेरे को बुलाया जिसको रखा था, कहता भैया हमारे वहां कुतिया सुई है तू जा। वजीर को बुलाया, पहले वहां नहीं था, बुलाया, वो गया देखने। बादशाह कहने लगा भाई कितने बच्चे दिए हैं? कहता जी चार। कहने लगा कितने कुत्ते कितने दिया? कहता दो कुत्ते दो कुतिया। कहता रंग क्या है? कहता है उनका दबे है उनमें और उनमें वो सिर्फ सफेद रंग की। कहता हचारा वहां से ही उनको दाना पानी दिया है? कहता जी बिल्कुल दे रखा है, सारा दाना पानी देख के आया हूं। कहने लगा क्या कोई वहां हवा हवा का? कहता जी बहुत बढ़िया हवा छाया सब बढ़िया है। कहना वहां कोई आदमी भी? कहता जी आदमी भी है। कहता है उसे और कोई वहां आपने क्या देखा? कहता जी थोड़ी थोड़ी चारों तरफ दगी है जिसमें से बदबू आ रही थी। तो कहता वजीर को कहता जा। तो रानी को कहने लगा बता दे मैं तेरे भाई को रखूं या वजीर रखूं? वजीर एक बार गया है तो रखे तो वजीर टाइप ही थे, पर ये रानी के भाई बने बैठे क्या करें, सोच समझ के रखे थे, पढ़े लिखे जेंटल, कि इनको ऐसा लगा कि भाई आप आश्रम के काम जो है बड़े। पूछा कल नाम आए हैं कहाँ हैं? ये लो जी अब लिस्ट दे रहे हैं यहाँ पे अनाउंस करना। कल परसों 8-9 लोगों के डॉक्टर है यहाँ, वो कहाँ गया है? क्या लेने जी? तो वो वहां गए तो लिस्ट इनको दी गई थी, वो लिस्ट तो मौके पे बताते हैं भाई, चलो कोई बात नहीं है, सतगुरु करने वाला है तो जिम्मेवारों के जो हैं वो जरूर अनाउंस करने थे आज। यही सोचा था ना कल लिस्ट दी है ना आज सुबह दी है, हाथ में लेके घूम रहे जी। चलिए धन धन तेरा आसरा पिताजी, मैं गांव अस्डर से आया हूँ जी, हरियाणा से, मन्ने माचल की सेवा करी थी जी, मेरे सिर में रिछोड़ी थी जी, बिल्कुल वहाँ खत्म हो गई जी। दान दन सतगुरु तेरे आसरा जी, मालिक की कृपा है बेटा, वो ही दया करने वाले। दान दन सतगुरु तेरे आसरा, दान दन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी जो सुंदर जहाँ सेवा चल रही है जी, दर्शनों तड़प रहे, मैं कुरुक्षेत्र से आया जैन रण इंसा। पिताजी मेरे साले का लड़का 3 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया, दूसरा सीबीआई पुलिस में दिल्ली था जी, रात को कार में लिफ्ट मांग ली जी, कार वाले ने बुरी बेरे में इसे लग करके नहर में गिर दिया। 8-10 दिन पिताजी की लाश नहीं मिली, सारा परिवार बड़ा दुखी हुआ। पिताजी आप गए थे आ सके, मालिक आपके अगर अरदास करी भी, सारे परिवार ने बैठ के सिमरन कराया पिताजी, उदम के बाद लाश मिल गई जी। हूं पिताजी वो परिवार दुखी है, वो कहते भी ना साड़ी पुलिस वाले सुनते हैं पिताजी, वो पता नहीं छड़ो बंदे पकड़े हैं पिताजी, उनके परिवार से रहमत करो, नाम सारे ने परिवार ने सिमरन करें बेटा, जो टाइम आ जाता है तो कहा नहीं जाता, लेकिन जिन्होंने भी ऐसे बेहरे से किया मालिक भी देख रहा है तो परिवार को कहें वो सुमन कहें। पिताजी धन धन सदगुरु तेरी आसरा। पिताजी मेरे दीदी और बच्चे, मैं इटारसी जा रहा जी, मेरा नाम गौरव इंसान है और मेरे दीदी यहाँ इटारसी रहते हैं, जिये 2 साल से चोला छोड़ गए थे, तो आप जिसे मैं प्रसाद लेके उनको दे के आया था, और जिया जी हमारे गिरवी का काम करते, तो दीदी और बच्चों ने आपके बचड़ों में रह के 20 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने का सामान सब वापिस दे दिया जी। आप दया मेरे करो कि आप उनमें खुशियों की बरकत वारो जी। जी मालिक रहमत करे, एक एक बात करा दे भाई। दान दान सतगुरु तेरे आसरा, अपने बोलने की शक्ति देना पिताजी जी। बोलिए। मैं एक क्रिसमस, मैं राजेंद्र अमरगढ़ जिला संगरूर पंजाब से बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक क्रिसमा एक बयान करना चाहता हूँ। सन 2010 की बात है, मई की, मैं लेटा हुआ था, गर्मी का मौसम था, ऊपर पंखा चल रहा था, जिस वेले पंखा चल रहा था उसकी हूक कुछ घिसी हुई थी, रात को 2-2:30 बजे वो हूक टूट कर ऊपर गिर गई, क्योंकि मैं सेंटर में पड़ा था, पंखा ऐसे टिका दिया जैसे मालिक ने खुद आप जी ने। जी बेटा, मालिक की रक्षा करते हैं बेटा, बिल्कुल वाकई मालिक की रहमत करते हैं। दान दान सदगुरु तेसरा। पिताजी मैं कोटड़ा से आदिवासी, पिताजी कोटड़ा सत्संग जल्दी करिए। नाम जी विक्रम इंसा। विक्रम इंसा, जरूर बेटा, जरूर बेटा, जरूर जरूर आएंगे, मालिक ने चाहा जरूर बेटा, जरूर। तो इधर बहनों की तरफ बात करा दो बेटा, भाई बैठ जाए अब और बात नहीं। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं यशिंसा टोहाना से, पिताजी बोलने की शक्ति दो। बोलो।
पिता चेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए उन्हें नाम लिए तब 8 महीने हुए थे। मेरे मन में बहुत था पता नहीं आप उन्हें लेके गए हैं कि नहीं। तब पिताजी मैंने बहुत आपके आगे अरदास की, पिताजी मुझे बताओ। उसी दिन रात को आपने मुझे दर्शन दिए, आप ट्रैक्टर पे आए और आपके साथ एक भाई भी था। तो आपने उनको जब हम कहीं आ रहे थे और आप आ रहे थे, आपने ट्रैक्टर रोका और हमारे सिर पर हाथ रख के कहा देखो कि ये हमारी बेटी है, और फिर आप हमारे घर चले गए। तो हमारी शंका दूर हो गई कि आप हमारे दादाजी को ले गए। फिर आपने मम्मी को याद दिलवाया, मम्मी ने आगे अर्ज की थी सपने में कि पिताजी हमारे घर कब आओगे। तो आपने कहा बेटा जिस दिन हमारे घर भिंडी और माँ छोले की दाल बनेगी उसी दिन हम तुम्हारे घर आएंगे, और जिस दिन हमारे दादाजी की डेथ हुई उसी दिन हमारे घर भिंडी और माँ छोले की दाल ली थी पिताजी। हमारी शंका दूर हो गई, पिताजी आपके आगे अर्ज है हमारे सिर पर इस तरह से हाथ रखे रखना। जी जी बेटा, मालिक की सब नजारे खाते हैं बेटा, वाकई मालिक लेने आते हैं, हम तो आपके सेवादार हैं बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं हनुमानगढ़ चू आई हूँ, पिताजी मैं शक्ति दियो, मैं बच्चियां ते किथे ना लावा, मैं परण करनी पिताजी मैनु ऐसी शक्ति दियो मैं तुहाडे ही लेखे लावा। पिताजी मेरी एक लड़की एक लड़का है गया, दो लड़कियां आपने भी आई हैं पिताजी, मैं बस जी आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ममता जिला कुछेतर ब्लॉक इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। पिताजी मैं सलाबतपुरे में 5-6 साल पहले लंगर की सेवा लंगर घर बना था पिताजी, वहाँ मेरी एड़ियाँ बिल्कुल भी काम बिल्कुल ही खत्म हो गई थी एड़ियाँ। मैंने दवाई दारू इतनी की, इतने डॉक्टरों को दिखाया, मेरी एड़ियाँ कभी ठीक नहीं हुई। जब से मैंने सुजान बहन सेवा ली, ग्रीस फोर्स की वर्दी की सेवा ली पिताजी, जब से मैं पिताजी इतनी भाग दौड़ कर रही हूँ, मैं बैठने की मतलब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, और दौड़ती जा रही हूँ पिताजी, बैठ नहीं सकती बिल्कुल भी, मेरी एड़ियाँ खत्म हो चुकी थी पिताजी। मेरे घर पे सब पे दया में रहमत करना, और मेरे घर जी बेटा जो जिम्मेवारी सेवा लेते हैं वाकई मालिक भी फिर उन्हें बेहद खुशियां बख्शते। कोई भी जिम्मेवार ब्लॉकों का स्टेट का बन है तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ते। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी बोलने की शक्ति देना। पिताजी मेरा पापा ताश खेल है पिताजी। पता नहीं कितनों के पापा ताश खेलते हो बेटा, सो आप सिमरन करें मालिक से दुआ करें। अगर जुआ खेलते हैं तो बहुत ही लत है, खाना नाम के बनाएं बेटा। अभी बोल दान दान सतगुरु तेरे आसरा। गल कर पिताजी दान दान सुर तेरे आसरा। पिताजी मैं गोलो बोल दी। पिताजी आप जी के ऐसी रहमत है पिताजी, मैनू घरों को ही दिता गया सी पिताजी, ऐसा ना कुछ भी बहुत ज्यादा पिताजी मेरी हालत खराब सी, मैं आप जी मिली मां पिताजी, मैनू घरों कुछ नहीं मिलिया। आप जी ने फरमाया भी ये तू हिस्सा लेना की रहमत, मैं क्या पिताजी रहमत लेनी है पिताजी, आप जी आके रहमत ढेर ला लेंगे। पिताजी ने जो घरे गई मैं सौ गई, आप जी की खुशी ना भी इन गल हुई, तो पिताजी आप पी तो आप जी ने ना मेरे मंजे से गोट आया, कहते बड़ी खुश पई है, मां पिताजी आप जी ने गल हुई है, मां पिताजी साढ़े मैं सुन का कहना सी भी घरे चलो, मैं क्या पिताजी मेरा घर ही है नहीं कितने। पिताजी आप जी ने फरमाया तीन होंगे वो भी कल्याण नगर च, मैं सवेरे आख्या मैं पिताजी ने मैनू लारा ला था मेरे को दस नहीं तीन मैं कितों बना लूंगी। पिताजी अज कल्याण नगर डेरे तुम तीन घर बनाते, मैं देर नहीं दे सकती पिताजी। बेटा बाकी जो सेवा करते हैं बेटा ना अंदर कमी ना बाहर कमी, लेकिन जरूर सुनते हैं बेटा। सतगुरु तेरा ही आस। पिताजी आप जी दी बेटी शमीन सा, पिताजी हिम्मत दो जी बोलो बेटा। पिताजी मैरिज हो रही है पिताजी, मेहर करना सेवा सी मेरे मार्स लेंदे रहना पिताजी। जी बेटा सिमर करियो बेटा, मालिक लाए आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद बेटा, हाँ करा दे भाई गुड्डी। गल करने वास्ते पिता कभी गल ही नहीं होंगी, बस सोचती सी पिता तुसी जानी जानो भी जानी जानो, पर पिता जो भी खड़ी होंगी तो कभी गल ना हो, पर पिता थोड़े ना बॉडी रूप च गल कर दिल करता है। जी बेटा सिमरन करो बेटा, मालिक जरूर रहता है, जो मर्जी गल कर सकते हो बेटा। पिताजी धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं नीतू इंसा सिपुर से बोल रही हूँ। पिताजी कल आपने बोला था कि किसी ने नाम नहीं बताना है, लेकिन कल भूल धोखे मतलब नाम सुना गया मेरे को, पिताजी माफ करना। एक नारा लगा दो बेटा, छोटी सी बात और है। धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी
आप जी पहले सपने में दर्द देते थे और मैंने सबको बता दिया, तो तब से दर्शन नहीं होते हैं और आप जी ने जो सपने में वचन पिताजी वो पूरे करना जी पिताजी। जी मालिक से दुआ करेंगे। पिताजी धन धन सदगुरु तेरे यात्रा। पिताजी मेरा बेटा, मैं पुष्पा इन समझोली से मझी ब्लॉक से। पिताजी मेरा बेटा भाग गया था, पता नहीं कहाँ था, तो वो भक्ति योद्धा का प्रसाद किसी के हाथ भेजा, हमारी लड़ाई थी, तो मुझे लगा पता नहीं, मुझे पता नहीं था कि सचिव का प्रसाद है ये, तो मैंने आग में डाल दिया। पिताजी माफ कर दो, हमारे परिवार में खुशियां दो पिताजी, माफ लिए ना हो रही हूँ पिताजी। बेटा कोई नहीं, सुन करना पिताजी। धन धन सतगुरु दाई आस्था। पिताजी बुलंदी हिम्मत दियो। पिताजी किरणजीत इंसा तरन तारण डॉट वर्जन सिंह ब्लॉक बंगी दास तरन तारण। पिताजी अक्टूबर महीने की गल है, मेरे पापा पिताजी बहुत बीमार हो गए थे। पिताजी उन्होंने एक बार रात उठे 2 बजे बाथरूम गए थे, पिताजी सारा परिवार सुता होया सी, ते ओ एक बाथरूम चो जो बाहर आए थे डिग गए। पिताजी जो एकदम उस टाइम मिनोशन भी हो रहे थे, पिताजी बहुत प्रकाश आ रहा सी, तिने अच्छाइया सफेद कपड़े पे सी, पिताजी बहुत सुंदर पालकी सी जिथे मेरे डैडी नूं मैं पौड़ियां चढ़ा रही आसमान विच, वो पालकी सी ते मैं पौड़ियां चढ़ा रही, जदों मेरे हाथ विचों डैडी दा हाथ छुट गया ते ओ डिग गया, ते मैनूं एकदम पता लगा कि पिताजी ते मेरे डैडी नूं ले आए ने। ते पिताजी उसे टाइम मैं डैडी कोल उठ के गई, पिताजी मेरा भरा भी उठिया, उन्हें वेख्या कि डैडी दी बज बंद हुई है। पिताजी मैं शेड विच जाके बड़ा रोई, पिताजी साडे घर विच नाम चर्चा शेड बनिया होया ताडे हुकम नाल, मैं जाके बहुत रोई, मेरी मम्मी भी रो जान। पिताजी पिताजी बोलन दी हिम्मत दियो बेटा, शॉर्ट च दसो। हां जी पिताजी, फिर मैं शेड विच जाके जदों रोई तां उस जदों मैं आके वेख्या तां डैडी नूं होश आ गए पिताजी, और मैनूं भी दर्शन दित्ते सी तुसीं ते पिताजी डैडी नूं भी दर्शन दिते सी पालकी विच, उस पालकी विच डैडी जिवें मैं मैनूं दर्शन होए उस तरह उन्हां नूं होए पिताजी। ते उस तो बाद पिताजी हुण मेरे डैडी बिलकुल ठीक है, उन्हें तैं मैं रहमदास रखियो पिताजी। जी बेटा कोई कर्म हुंदा है जीव दा जो मालिक कट दिंदा है बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं मीनाक्षी इंसा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। पिताजी मैंने नाम लेने से पहले किसी प्रेम का गलती से लॉकेट पहना था अनजान में, मुझे माफ कर धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और एक बात पिताजी, मेरे घर वालों ने नाम वगैरह नहीं जुड़ा और मैं घर वालों को बिना बता कैसे और सत्संग में आती हूँ, मुझे माफ करना। जी बेटा नारा लगाए सुन करे बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी उषा इंसा ब्लॉक मंदेड़ी जिला कुक्षेत्र से बोल रही हूँ। पिताजी हमारे परिवार पर आप जी ने इतनी दया मेहर रहमत की है कि हमने दात प्रोग्राम था जब हमारा ब्लॉक चुना था, पिताजी मेरी बहन आप जी से वचन करवाए कि पिताजी हमारे बच्चे कुछ हमारे बच्चे पढ़िए डिग्री डिप्लोमा कर लिया, सिलेक्ट नहीं हुए, पिताजी आप जी वचन किए कि अच्छे में सिलेक्ट होंगे। पिताजी अब मेरा बेटा कांस्टेबल पे फौज आर्मी में सिक्किम में गया हुआ है पिताजी। जो जिसकी करवा रहे करवाने दो, आप क्यों गए उठ के, जिनकी ठीक है उनको करवाने दो, ठीक है यहाँ बात करें। पिताजी उस टाइम में रहमत रखना कि वो ट्रेनिंग में अच्छा सफल रहे, आप जी की दया में रहमत बरसती रहे। जी बेटा आशीर्वाद। एक एक बात करा दें, कराए बेटा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मेरे को कोई नहीं है, मैं महाराष्ट्र को आई है, मुझे कोई नहीं मेरे तुम्हारे चरण में रखो। जी बेटा जिम्मेवार नोट कर ले भाई और पता करें जो भी इलाज वगैरह जो भी है बेटा करेंगे। जी हेलो पिताजी, मैं थोड़ी तेरी आसरा। मैं थोड़ी बेटी साहिबे इंसान मंडी गोविंदगढ़ तो। पिताजी मैं थोनो एक बोली सुनाना चाहनी हूं। जी गनेरियां 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 काली टोपी ले लो पिताजी, कितने नजर लग जाने मेरिया। जी आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आप जी की बेटी अंजना इंसा अम्बाला से बोल रही हूँ। पिताजी हमारे पूरे परिवार का नारा कबूल करना। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी कैसे हो? बेबरा जी की रहमत। पिताजी बोलने की हिम्मत देना। पिताजी वैसे तो आप जी के करिश्मे बहुत है, पर इस समय मैं जो ध्यान में रह उतार रही हूँ। पिताजी मैंने प्लस टू आर्ट से की है
और आप जी की कृपा से मतलब मेरे पढ़ाई का कोई इरादा नहीं था और आगे BIM किया मैंने, जो वोकेशनल पढ़ाई मेरे लिए इतनी टफ थी, कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं किया। पिताजी हमेशा कॉलेज में टॉप पर रही हूँ और पिताजी अब मैंने MCOM में UGC नेट का एग्जाम दिया है प्लस JEE क्लियर किया है। पिताजी आप जी कृपा से बिना किसी कोचिंग के किया। पिताजी मुझसे सब पूछते हैं कि तूने ये कैसे कर लिया और कैसे नहीं किया, पिताजी बस आप जी की मेहर है। जी बेटा, मालिक की रहमत है, सुमरण करते रहे बेटा, मालिक साथ देने वाले। माता बहनों अब और बात नहीं होगी। और पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती कामना करें। आश्रम जी गर्ल स्कूल बुधनी की सेवादार दिन दुखी बैंक में 5000 रुपए जमा करवाते हैं जी। जी शुभ बेटा, सेवा समय मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहम से नवाजे, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। ये तो वो फार्म है जो सात संगत ने भरे हैं, यहाँ के कुछ से तो है नहीं कि कितने भरे, तो ये बोला था जी। और पक्की समितियों के सेवादार कुछ जाना चाहते हैं तो आप जिम्मेवार मिलके जाएं, जितने भी सेवादार हैं जो जाना चाहते हैं मिलके जरूर जाना है। अगर सेवा है तो एक दिन आप रुक सकते हैं, नहीं तो आप घरों के लिए प्रसाद ले जाइए। सो प्यारी सासियो, मालिक के दर पे उस अल्लाह वाही राम गॉड खुदा रब कि कोई चल के आता है तो उसे ना कोई अंदर में रहती है ना बाहर। बात है कि इंसान सच्चे दिल से चल के आए, भावना से चल के आए, अमल करें तो मालिक रहमो करम समझते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। बात है कि बचपन अमल किया जाए, जब जब इंसान बचनों पर अमल नहीं करता वो अपने किए कर्मों को भोगता रहता है, और अमल करता तो राम अल्लाह मालिक पहाड़ जैसे कर्म को राई में काट देते हैं, बदल देते हैं। तो बस यही जरूरत है कि आप इस घोर कलयुग में वचन पर अमल करें, जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी कमियां होती हैं उनको निकालें, क्योंकि गलती करके माने उसे इंसान कहते हैं और गलती पे गलती करे उसे हैवान यानी पशु कहते हैं, और गलती पे गलती पे गलती करते हैं जिसे शैतान, यानी तीन वचनों में अगर आप गलती करते हैं तो उसका हशर ये हुआ है। इसलिए गलतियां नहीं करनी है, वचनों पर रह के आगे बढ़े तो ही मालिक की दया में रहमत के काबिल होंगे। तो सेवादारों में शायद दो तीन सेवादार, एक शर्मा जी हैं यहाँ से, एक दिनेश जी आप बैठे हैं, दिनेश जी खड़े होना, और तो नाम ख्याल में नहीं है जो रुके हों। 25 मेंबर जो बनने के लिए जिनके नाम आए थे, शर्मा जी हैं और कौन थे, हैं जी दो और हैं, पीछे क्यों बिठा रखे हैं। तो ये चार लोग तो यहाँ हैं, चलो शाती सही, इन जिम्मेवारों ने तो काम कर दिया अपना, आगे से हम ही ले लिया करेंगे मीटिंग, क्योंकि मोहन लाल नहीं आया, इन सबसे आगे है वो इस मामले में, हकीकत है ये बात तो लगता है इनको, लेकिन वो इस मामले में बहुत आगे है। कहा होता तो वो 10 बार पर्चियां भेज देता कि जी पिताजी ये लोग हैं ये लोग हैं, आप जाओ, ऐसा करने से कुछ थोड़ी ना होता है, कॉल करके दिखा देना ठीक है, बस अपनी तरफ से तो माफी है, साइड में हो जाओ, ज्यादा इधर हो जाओ, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, आप नहीं कर पाते ना करो, कोई बात नहीं, हम सीधा कर लेंगे जी। तो ये क्या क्या नाम है, दिनेश जी हो गए, शर्मा जी हो गए, और गोविंद इंसा, चंद्रभान इंसा, कहाँ से बेटा चौहान जी, मझोली से, आप शिवपुर से, अभी बुधनी से हो गए, और आप इंदौर से हो गए, उज्जैन से। हाँ जी, तो प्यारी सत्संग जी खास करके जो मधेश की सत्संगत बैठी है तो इनको कौश यानी 25 मेंबर का प्रसाद दे रहे हैं मध्य प्रदेश, तो किसी को कोई इतराज हो तो हाथ खड़ा करें, किसी को कोई इतराज इस तरह का कि नहीं जी इनको बनाना चाहिए। ये चार लोग सामने खड़े हैं, आप हाथ कर सकते हैं, किसी को अगर कोई इतराज लगता है, क्योंकि सात संगत ने ही बनाना है, तो क्या आपको मंजूर है तो हाथ खड़ा जी, तो जोर से नारा लगाएं, आप लोग भी माइक के पास होके जोर से नारा बोलें जी। तो हाथ नीचे कर लें और आप भी प्रसाद ले लें बेटा, और जी आशीर्वाद आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे जी आशीर्वाद आशीर्वाद। तो आरों की ड्यूटी लगी है तो जितनी सेवा करेंगे पल पल के बाद सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक पूछेगा। आज के बाद वचनों पे 100% पक्के रहना, किसी भी तरह की कोई कमी ना आने पाए, तो फिर मालिक अंदर कमी छोड़ेगा ना बाहर, ये पूरा अमल करना। तो प्रसाद ले लें बेटा। तो ये 25 मेंबर यहाँ के हो गए हैं, आप नोट कर लें टोहाना जी, वहां उनको नोट करवा देंगे जी। बेटा प्रसाद ले लीजिए, शाबाश। आप यहाँ जहाँ भी सत्संग है तो उसको फॉलो करें,
जितना भी हो साम नाम अल्लाह मालिक से मालिक के रास्ते पे चलने वाले उनको बताएं, जो नए जुड़े हैं उनको फॉलो करें ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। मालिक खुशी दे, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। तो जो भी सत्संगत आश्रम में आई है प्रसाद ले लेना बेटा। हम की मजलिस का जो टाइम है वो 6 का है शायद, तो वो दे हैं शाम का। सेवादार भी कई जगह पे सेवा कर रहे हैं, देखते हैं। बाकी अब थोड़ा सा समय सजिएगा और सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियां दे। और बस और जाने का विचार जैसे बोला अभी आप जुम्मेवारों से मिल जाइएगा, अगर एक दिन रुकना पड़े कोई खास बात नहीं, फिक्र ना करें, पता नहीं उसके लिए क्या दे दे मालिक। और वैसे अगर वो कहें कि जाना है आप जा सकते हैं, पर अभी ऐसा समय सज रहिएगा, बैठे रहिएगा जी। एक मिनट के लिए बैठे रहें कृपया। मिनट के लिए प्लीज इसी प्रकार बैठे रहना है अपनी अपनी जगह पर, सभी ने अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना है। आगे की तरफ ना आए, बैठे रहे प्लीज, बैठ जाएं। और जो पक्की समिति के सेवादार हैं, एक दिन आप लगाएंगे तो पूजा गुरु कितने वचन करे हैं पता नहीं, मालिक क्या दे दे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रुकने की कोशिश करनी है पक्की समिति के सेवादारों ने। लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं उनके लिए पूजा गुरु जी ने प्रसाद दिया है। तो आप भाइयों ने भाई साइड में और बहनों ने बहन वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। और जो मध्य प्रदेश के सेवादार महीने में कम 7 दिन सेवा के लिए निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर जिम्मेवारों को अपना नाम लिखवा सकते हैं, भाई भी बहने भी, जो कम से कम 7 दिन महीने में सेवा के लिए निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, वो आगे आकर अपना नाम लिखवा सकते हैं जी। अपूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। और लंगर घर में बहनों की जरूरत है, बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना, जल्दी से लंगर घर में चले जाएं, लंगर पकाने के लिए बहनों की जरूरत है लंगर घर में, जल्दी से ज्यादा संख्या में बहने लंगर घर में चले जाएं जी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहने लंगर घर में चले जाएं। और जो पक्की सेवा में नाम लिखवाना चाहते हैं यहां के मध्य प्रदेश के भाई या बहने, तो आप नाम लिखवा सकते हैं यहां जिम्मेवारों को, बहुत सुनहरी अवसर है सतगुरु जी की अपार खुशियों को प्राप्त करने का, आप नाम यहां पर लिखवा सकते हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आश्रय। सेवा वाला आज्ञा वाला घर के लिए प्रसाद जिन्होंने रात ले लिया था दोबारा से नहीं लेना, जिनको रात घर आने वाला घर के लिए प्रसाद मिल गया था उन्होंने दोबारा नहीं लेना जी। और पक्की समिति वाले सेवादार ज्यादा से ज्यादा रुकने की कोशिश करें जी। धनन सतगुरु तेरा ही आश्रय।